हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के सर्दी खांसी के बारे में। जो बच्चे 0 से 1 ईयर तक के बच्चे होते हैं, उनकी सर्दी खांसी हम कैसे ठीक करें, क्योंकि ये बच्चों का ऐसा टाइम पीरियड होता है कि जब हम बच्चों को ज़्यादा पावरफुल वाली दवाइयाँ नहीं दे सकते हैं और ना ही हम खुद देना चाहते हैं। तो हम सोचते हैं बिना दवाइयों के, बिना डॉक्टर में जाए, कुछ होम रेमेडी से ही हम अपने बच्चे को ठीक कर पाए। तो सबसे जो हमारा पहला पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको मैं पहले बताना चाहती हूँ, वो है ब्रेस्ट फीड यानी माँ का दूध। सर्दी खांसी हो या कुछ भी बीमारी हो, माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत एक दवाई की तरह काम करता है, दवाई से भी अच्छा काम करता है। स्टार्टिंग से ही बच्चों में काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है, कभी कुछ, वो सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम सिर्फ माँ के दूध से ही ठीक हो जाती है, क्योंकि माँ के दूध में बहुत सारे ऐसे एंटीबॉडीज रहते हैं जो बच्चे को एक्टिव रहने में, एनर्जेटिक रहने में बहुत हेल्प करते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है कि बच्चे को सर्दी खांसी हो तो बच्चे को अच्छे से फीड कराना है। अगर आप नॉर्मली बच्चे को 2 घंटे में एक बार दूध पिलाते हो, तो इस टाइम में आपको 1 घंटे में 2-3 बार फीड कराना है, अच्छे से फीड कराना है। नॉर्मली जो बच्चे होते हैं, अगर 1 ईयर तक जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, वो अदर बच्चों से ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सेकेंड है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल से मसाज करना बच्चों के लिए कुछ भी प्रॉब्लम से, बॉडी पेन से या फिर सर्दी खांसी, हर चीज़ में हेल्प करता है। इस ऑयल को आपने घर में बनाना है। ऑयल को कैसे बनाना है, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप ऊपर जो आई बटन है उस पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपने ये ऑयल बना रखा है तो उसको थोड़ा सा गर्म करके बच्चे की अच्छे से मालिश करनी है, बच्चे के चेस्ट पे, बच्चे के बैक पे, बच्चे के पैरों के नीचे, हथेलियों पे अच्छे से मालिश करके फिर बच्चे को सॉक्स पहना के अच्छे से कवर कर लेना है। ध्यान देना है कि बच्चे को ठंड ना लगे। आप फैन, कूलर, एसी का यूज बिल्कुल ना करें, ध्यान रखना है, ठंड नहीं लगने देनी है। मसाज तो बच्चे के लिए इतना अच्छा है कि अगर आप डेली बेस पे करते हो, जिस भी ऑयल से आप बच्चे की शुरू से मालिश करते हैं, जिस भी रूटीन से करते हैं, यानी नहाने से पहले या नहाने के बाद, अगर आप उस चीज़ को डेली रूटीन में ऐड करते हो तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चे के मसल्स अच्छे होते हैं, बच्चा फ्रेश फील करता है, एक्टिव रहता है। ये ऑयल बच्चों के लिए नहीं बल्कि आपके लिए बॉडी पेन, बैक पेन, डिलीवरी के बाद बैक पेन होता है, बॉडी पेन होता है, उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बेबी रब। जो बेबी रब होती है, जो ये एक फिक्स होती है जो बच्चों के लिए बनी होती है, अगर इस फिक्स को भी हम अच्छे से, अच्छे टाइम से बच्चों पे लगाए, बच्चों पे यूज़ करें, तो ये भी यूज़फुल होती है। जैसे बच्चा आपको लगे कि आपके बच्चे का सोने का टाइम हो गया है, आपको लगता है कि अब आपका बच्चा सोने वाला है, तो उससे पहले आप अपने बच्चे के छाती पे, पीठ पे, पैरों के नीचे वही जैसे ऑयल लगाते हैं वैसा ही लगा के थोड़ा सा नोज़ पे, फिर से सॉक्स पहना के ब्लैंकेट में अच्छे से कवर करके और सुला दें उसको जब थोड़ा पसीना हो जाए, इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। फिर है अजवाइन का पानी। अगर आप 1 गिलास में अजवाइन का पानी उबालते हो तो उसको अच्छे से बॉईल करके आधा कप होने देना है। अगर आपका बच्चा 6 मंथ से छोटा है, यानी 1-2 मंथ का है, तो आप 2-3 बूंद दे सकते हैं। अगर 3 महीने का है तो 3 बूंद दे सकते हैं, और अगर 6 महीने से बड़ा है तो 2-3 चम्मच आप उसको पिलाएं। लेकिन नॉर्मली बच्चों को सर्दी खांसी तो होता रहता है, इसमें हमें थोड़ा वेट भी करना चाहिए। बच्चों का सर्दी खांसी जो नॉर्मली सर्दी जुखाम होता है, वो ऐसा होता है कि लगने के बाद 1 हफ्ते के अंदर या 4-5 दिन के अंदर, 1 वीक के अंदर खुद ही ठीक होने लग जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज हमारा बच्चा बीमार हुआ, उसको हल्की सी खांसी हुई और हम कल डॉक्टर में ले जाए, क्योंकि उसकी बॉडी को भी वैसे ही हैबिट हो जाती है दवाइयों की। तो पहले हमें घर में देखना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर उसको फीवर है, ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तब तो आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, आपके बच्चों को हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।